और जलवा में इस वक्त फाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी दाव लगाने आ रहे हैं हुसैन और उनके कल के कलाकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जलवा नंबर 7। हमारा जुनून, मंच हमारी मोहब्बत, जलवा हमारा सफर और आपका दिल हमारी मंजिल। तो आपका दिल जीतने के लिए एक बार फिर आ गए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लाइव इन कॉन्सर्ट कल के कलाकार। एक्टिवेट डांस मोड, काउंटडाउन, 5, 4, 3, 2, 1. Are we on the air? Yeah, you are the best, yeah. से तेज चल रही थी। आई होप सो, जैसी हमारी है। शावक, व्हाइल ही इज कैचिंग हिज ब्रेथ, आप बताएं कि कल के कलाकार हैं ये। हुसैन तो टीवी स्टार है ही आज के, लेकिन इनके साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर एस्पायरिंग एक्टर्स।
कुछ टेलीविजन में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फिल्मों में अपनी छवि खोज रहे हैं, आपका क्या कहना है इस टीम के बारे में? आई थिंक ट्रूली 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 विद हिंदी पढ़ रहे हो? नहीं, दिस इज रियली रियली something I wanted to say because this kind of performance attitude spirit jo hai magic yahan magic hai. This is what I call complete magic today. I mean, not only the entry but just the consistency of performance, the way they went to stage right, the way they worked, I just loved it. But I must say one thing, that what is your name in the wide? Dharmesh. You're also excellent. Thank you, sir. And the three girls, I must say that of course there was a little bit of a little mistake where you forgot, but I just think that, as I want to speak in Hindi, ye jalwa nahi 440 volt ka jhatka hai. That's how good they were for all of us. Hilakar rakh diya sabko. And I must say one thing. Today I'm going to say it. I've been watching, like Abhishek, I've been watching Hussein for a long time. And I have to say this today. Jab main Shahid Kapoor, Darshil, Tare Zameen par, aur ab Hussein. If Yash Uncle, you're watching, Bindu Vinod Chopra, all the great directors, you're making a mistake. Listen to me. I proved you right with Shahid Kapoor, with Darshil, and now I tell you, Hussein's the next star. Thank you. Thank you so much. I think you were consistent. I think you were strong. I think you never broke your character. I think, really, 440 volts. Unbelievable. Thank you so much. जितना झटका शामक को लगा जीना जी, उतना ही जोर का झटका आपको भी लगा क्या? जरूर लगा, लेकिन इनके कहने के बाद मैं क्या कहूँ, आपका कोरियोग्राफी बहुत खूबसूरत था. मतलब you always had our attention. ऐसा कोई मोमेंट नहीं था when our attention dropped. We were always focused on you. The performance level was terrific at all times. The energy level was terrific at all times. The individual performances were excellent. Fabulous, fabulous. Thank you. Ravi ji, आपके एनर्जी उर्फ आलू उर्फ हुसैन और उनके कल के कलाकारों के बारे में क्या कहेंगे, आज की परफॉर्मेंस के बारे में? हुसैन बाबू, तुमसे एक चीज तो सीख लिया आज हम. वो चीज है कि जिंदगी में कोई भी हालात या किसी भी दौर से, मुझे याद है लास्ट वीक जब तुम यहां से निकल गए, इस मंच से तुम बाहर कर दिए गए, तुम्हारे चेहरे को हमने पढ़ा बहुत करीब से. पॉजिटिविटी जैसे तुम्हारे पर खुदा की, मतलब है ना, एक नियामत है. तुम्हारे चेहरे पर एक हमेशा एक उम्मीद है, एक हमेशा होप है. तुम कभी जिंदगी में हारोगे नहीं दोस्त, इतना याद रखना. यू आर फैंटास्टिक. रवि जी, जैसा आपने कहा कि पिछले हफ्ते आपने थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.
पिछले हफ्ते आपने हुसैन को इस मंच से बाहर होते देखा, फिर भी उसके चेहरे पर होप के साथ साथ एक नए जुनून के साथ इस मंच पर लौटने की तैयारी देखी। आपका ध्यान, सबका ध्यान मैं इस टीम के एक और कंटेस्टेंट, एक और पार्टिसिपेंट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आपने जब से यहाँ पर कार्यभार संभाला है तब से आपने देखा कि हर एपिसोड में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी फिजिकल डिसेबिलिटी अथवा किसी फिजिकल चैलेंज अथवा डिस्कम्फर्ट की बात करता है जब खामी निकाली जाती है डांस में। आज श्यामक जी ने भावना की ओर थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन श्यामक आपको भी रवि के साथ बताना चाहूंगी, जीनर जी आपको भी, कि इस टीम में एक ऐसा सदस्य है जो कल टेक्निकल रिहर्सल में लिटरली कोलैप्स कर चुका था। दैट पर्सन कोलैप्स्ड और उस पर्सन, उस शख्स के डांस में मेरे तीनों मेहमानों ने आज साक्षी कमी नहीं दिखाई या निकाली, और उस शख्स का नाम है शमाया। एज अ परफॉर्मर ये एक्चुअली शामक बेहोश हो गई थी टेक्निकल रिहर्सल के वक्त, मुंह के बल गिरी। But they bewitched all of us. They were so good. मुके बल गिरी। मैंने कई लोगों को अपनी बीमारी का यहाँ पर हवाला देते सुना। मैंने कई लोगों को आज तक बैकस्टेज भी मुझसे कहते तो सुना कि दीदी नहीं आज ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, इसलिए आज हम लोग पूरे जोश के साथ नहीं नाच पाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी, मैं इंतजार कर रही थी आप सबके कमेंट्स का ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने शमाया में कोई कमी पकड़ी या नहीं। एंड आई एम वेरी प्राउड एज अ परफॉर्मर शमाया, ये तुम्हारा वाओ, ये पहली बार है कि तुम इस मंच पर आए। जब मैंने पहले ही बताया था कि उसका नाम बड़ा ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत नाम है शमायल, तो ये रिहर्सल हॉल में रिहर्स करते करते कभी कोई शमायल बोलता ही नहीं था, कभी कुछ बोलता था स्माइल बोलता था, कभी कुछ बोलता था, और एक बार निकला, अरे यार श्यामलाल, अरे सॉरी व्हाट्स योर नेम, तब से उसका नाम पड़ गया श्यामलाल। चले श्यामलाल का है, शमायल का है, और मैं माफी चाहूंगी कि मैंने शमाया कह दिया आज, लेकिन इतना कहूंगी कि तुम्हें तुम्हारे डांस की वजह से जाना जाता है, तुम्हारे जज्बे की वजह से जाना जाता है। एज अ परफॉर्मर आई सल्यूट दैट, आई सल्यूट दैट। हमारे जजेस ने अपने मार्क्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, उसे बैलेट बॉक्स तक पहुंचा दिए हैं, और यहाँ पर डांस के गुरु शामक दावर बैठे हैं, तो आज मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हारी टीम को उन्होंने कितने मार्क्स दिए इस जज्बे के लिए, इस डांस के लिए। ये तीनों मार्क्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन डांस गुरु शामक दावर ने पहली बार इतने हाई स्कोर्स दिए एक टीम को, 9.5 शामक, आधा क्यों कम? इट वॉज नियरली परफेक्ट इसके लिए। आई थिंक इफ आई गिव देम 10 देन आई डोंट थिंक दे विल वर्क सो हार्ड फॉर द फ्यूचर, सो आई गिव देम 9.5, सो दे वर्क सो हार्ड दैट दे गेट अ 10. Always looking forward to something because they were that good. I really agree actually, Madhav. If there are mistakes then we definitely don't deserve a 10. So it's perfectly fine, I think. Hussain, you're always on my side, you're very sweet. Nine and a half is a way, I think it's just love, affection towards the team and the performance. Thank you so much.